सब्सक्राइब कीजिए एमडी टेक्निकल चैनल को और लेटेस्ट सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। हेलो गाइस, एमडी टेक्निकल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि जो छाछ की जो मशीन होती है जिसे मदनी कहा जाता है और किसी किसी भाषा में जैसे कि मदहानी भी बोला जाता है इसे, तो ये जो मशीन है आप देख सकते हैं इसका ये जो हैंडल रॉड है ये मत्ती है, ये इधर उधर घूमती है, ऐसा ऐसा चलता है ये। तो ये क्या हुआ कि ये ख़राब हो चुकी है और ये स्विच लगे हुए हैं इसके अंदर, रिवर्स फॉरवर्ड स्विच है और एक मेन स्विच है। तो ये जो मोटर है वो कैसे बनाई जाती है और ये कैसे खुलेगी वो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। इसे खोलने के लिए सबसे पहले हम इस जो रॉड है इसे हटाएंगे, जो मथनी का जो माथा है सामने जो, इसे हम इन दो ये लगे हुए हैं इसे हम खोल लेंगे। खोलने के बाद ये जो फ्री हो जाएगा एकदम से बाहर आ जाएगा, इसे हम खोल लेते हैं। इस तरीके से आप इसे खोल सकते हो, इस तरीके से ये बाहर हो जाएगा, ये एकदम फ्री हो जाएगा। इसे पूरा खोल लें ताकि ये पूरा तरीके से बाहर आ जाए। ये हमारा फ्री हो गया, हम साइड में रखेंगे। इसके जो नट हैं मतलब जो स्क्रू टाइप जो नट हैं इसे भी अलग रखें। इसके बाद हम इसे खोलेंगे, इसे खोलने के बाद हमारा जो ये हिस्सा है वो फ्री हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। फिर हमारी बचेगी मोटर, पानी की सहायता से खोल सकते हैं आप इसे। हमारी ये मोटर हो गई फ्री, अब हम इसे साइड में रख देंगे। इनसे जो पार्ट्स हैं अलग अलग, बात रही इसकी, हम ये जो हैंडल को भी खोलेंगे। हमारी जो मोटर है पूरी तरीके से फ्री हो चुकी है मतलब बाहर हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन क्या है, इसे जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं, उसके बाद हम ये जो वायर हैं इसे भी हम काट देंगे। कटर की सहायता से हम इसे काटेंगे इन वायरों को, ये इनको हम साइड में रख देंगे इन सारी चीज़ों को, इसके पार्ट्स जो हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस जगह से हम इसे खोलेंगे, इसके नीचे हम एक रील रख लेते हैं ताकि ये खोलने में आसानी हो हमारी जो मोटर है। और हम क्या करेंगे, अब जो नट लगे हुए हैं इसे हम खोलेंगे चारों नटों को। ये ऐसा कैसे ये बाहर आ जाता है, ठीक। अब क्या करेंगे, हमारा जो रोटर है इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे, हमारा रोटर भी बाहर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो वाइंडिंग कॉइल है इसे हम बाहर निकालेंगे। ये क्या अलग तरीके से बनी हुई है, लेकिन हम इसे अलग तरीके से बनाएंगे। ये एक दो दो खन छोड़ के बनी हुई है ये कॉइल, क्या अलग तरीके से बनाई जाती है इसका भी डाटा मैं बताऊंगा आपको कि कैसे बनेगी ये। और सबसे पहले हम इसका जो स्टेटर है
इसे हम भार करेंगे। इस स्टेटर को भार करने के लिए हमें एक रॉड की सहायता लेना पड़ेगी। एक शाफ्ट ले सकते हैं आप, एक छोटी सी जो शाफ्ट होती है उसे हम लेंगे और इस जगह हम इसे चोट मारेंगे तो हमारे जो स्टेटर है बाहर आ जाएगा। चारों तरफ से हम इसे ठोकेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा बाहर आ चुका है। इसे इस तरीके से बाहर की तरफ पुश करेंगे, मतलब ठोकेंगे। ये इस प्रकार से हमारा जो स्टेटर है बाहर आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले हम इसे चेक कर लें कि ये एल्यूमिनियम से बना है या कॉपर से बना हुआ है। इसे कैसे चेक करें, इसे यहाँ से आप ये कॉपर का बना हुआ है, कॉपर से बना हुआ है ये। और इसमें जो स्लॉट रहते हैं वह 24 स्लॉट रहते हैं। इसे हम सबसे पहले काट लेंगे। इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसके जो सारे वायर हैं इसे हम हटाएंगे। ताकि काटने में इसे आसानी हो। अब हम क्या करेंगे, इसे कटिंग करेंगे। ये यहाँ से कट हो गया, यहाँ से ये कट हो गया, यहाँ से कट हो गया, यहाँ से ये कट हो गया। हम क्या करेंगे कि अब इसे भी कट कर लेंगे यहाँ से हाथ लगे। हमने यहाँ से कटिंग कर ली है, अब ये करेंगे हम एक एक कर सभी को निकालेंगे तो सारे के सारे हमारे जो वायर हैं वो बाहर आ जाएंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगे। ये ऐसे खींचने पे बाहर आ जाते हैं। हम इसे भी निकालेंगे, सारी कॉइलों को हम निकालेंगे। बड़ी आसानी से कॉइल बाहर आ जाती है। हम इसे फटाफट से निकाल लेते हैं। तो हमने क्या करा कि सारी
इसकी जो कॉइलें हैं वो सारी निकाल ली। और अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर पेपर डालेंगे, जो पीवीसी पेपर होता 7 नंबर, हम उसे मोड़कर इसमें डालेंगे। और अगर आपके पास में पीवीसी पेपर कटिंग है तो कटिंग भी आप में डाल सकते हैं। कटिंग कुछ इस प्रकार से आते हैं, कटिंग पेपर ये कुछ इस प्रकार से रहते हैं, जो मुड़े हुए रहते हैं, सिर्फ आपको ऐसे करके मोड़कर इसे सिर्फ इसमें डालना रहता है। लेकिन ये क्या है कि थोड़े छोटे हैं तो ये हमारे काम नहीं आएंगे, हमें इसमें इस प्रकार से बड़ा पेपर लेना पड़ेगा, फिर कटिंग करके इसमें हम डालेंगे। तो वो किस प्रकार से इसकी नप्ती ली जाती है वो भी मैं आज बताऊंगा। बने रहिए इस वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। कम नप्ती के लिए इसके लिए हम वो पेपर काट लेते हैं। इसमें नप्ती के लिए हमें इस प्रकार से इसकी नप्ती लेना पड़ेगी। हम थोड़े से इस साइड इसे छोड़ेंगे ताकि हम हमारा जो पेपर मुड़ सके, हम मोड़ेंगे पेपर। तो मैं जैसे नप्ती ले रहा हूँ इस प्रकार से नप्ती लें आप, मैंने इतना कटिंग करी हुई है तो ये पूरी एक पट्टी काट लेता हूँ मैं पूरी की पूरी। हमने एक पूरी स्लाइस काट ली बड़ी वाली, अब हम क्या करेंगे इसे कटिंग करेंगे कुछ इस प्रकार से अपने अंदाजे से, फिर हम इधर इसमें लगा कर देखेंगे। जैसे मैं दिखाने की कोशिश, शायद दिख जाएगा आपको ये इस प्रकार से, ठीक है ये। लेकिन ये क्या है कि थोड़ा सा बड़ा है यहाँ से ऊपर से, तो हम इसे कटिंग करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे हम। कटिंग यहाँ से करना है हमें, इस जगह से, ये जगह से हमने कटिंग कर ली है और ये एकदम फिक्स बैठ चुका है। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी कटिंग करेंगे इसकी, यहाँ से इस जगह से हम थोड़ी सी कटिंग करेंगे। ये परफेक्ट इसका पेपर है। अब इसी से ही हम सारे के सारे पेपर कटिंग करेंगे, इसी नप्ती के हिसाब से हम सारे से सारे पेपर कटिंग करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक कटिंग करके पेपर, कुछ इस प्रकार से इसे रखेंगे ये, फिर हम इसे कटिंग करेंगे ये। कटिंग हमने कर ली है, अब हम क्या करेंगे कि हमने जो कटिंग करा है पेपर इसे हम मोड़ेंगे। हमने इस प्रकार से इसे लिया था और अब हम इसे इस तरीके से ला कर देख लेंगे, यहाँ लग चुका है हमारा पेपर। और एक इधर से भी ला कर देख लेते हैं कि फिक्स बैठ रहा नहीं, ये छोटा है, मतलब ये इधर से ही लगेगा। जैसे हल्की सी कटिंग कर लेते हैं, अब हम क्या करेंगे इस जगह से हमने जहाँ से लगाया है इसे, इधर हमें छोड़ना है, इस जगह से हमें इसे मोड़ना है ये देख सकते हैं आप, ये मुड़ चुका है। और ये यहाँ से भी ऐसे ही मोड़ेंगे इसे, ये भी मुड़ चुका है। अब हम क्या करेंगे इसे इस जगह से इसके अंदर डाल देंगे ये, ठीक है, ये ऐसे कैसे ये फिक्स हो गया। अब इधर से तो फिक्स हो गया, लॉक हो गया, अब इधर से भी लॉक होना ज़रूरी है इसे, है ना। तो आप ये देख सकते हैं ये दोनों तो प्रकार से, दोनों तरफ से लॉक हो चुका है। तो ऐसे कैसे हमें पेपर इसमें लगाने हैं, और ये जो नप्ती है पेपर की, इसी नप्ती के सहारे सहायता से हम सारे पेपर काटेंगे, मतलब 24 पेपर कटेंगे, और 24 पेपर कटने के बाद ऐसे ही मुड़कर इसमें लग जाएंगे, क्योंकि लॉक बनाना है हमें ताकि ये इधर उधर खसक ना सके। अगर माना हम ऐसे कैसे अगर पेपर लगा देंगे ऐसे सिंपल, तो ये क्या जब हम कॉइल बिठाएंगे ना तो इधर उधर हो जाएंगे पेपर हमारे। ये आप देख सकते हैं कि ये हिल रहा है, ये वाला जिसमें लॉक नहीं लगाया मैंने, ये पेपर हिल रहा है ये। लेकिन ये पेपर
बिल्कुल फिक्स हो चुका, क्योंकि लॉक हो चुका है, लोकेट हो चुका है उसमें। हमने मोड़ा तो वो इस स्टेटर में वो लॉक हो चुका है ना। तो इसी प्रकार से हम सारे के सारे जो पेपर हैं बनाएंगे इसी साइज़ से, सारे कटिंग करेंगे और सारे के सारे पेपर हम लगा देते हैं। फिर बताऊंगा आगे की प्रोसेस। आप देख सकते हैं कि इसकी जो चारों तरफ हमने इसके जो पेपर हैं वो लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि क्वाइल की नप्ती लेंगे, मतलब क्वाइल किस साइज़ की बनाना है हमें। तो हम नप्ती लेने के लिए एक वायर का प्रयोग करेंगे। आप मेरी पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं कि अगर कोई सी भी मोटर में बनाता हूं तो वायर से ही नप्ती ली जाती है, तो वायर की तरफ तो वो आसान पड़ता है हमें नप्ती लेने के लिए। तो हम उसी से ही हम नप्ती लेंगे। और वायर से नप्ती कैसे ली जाती है मैं बताऊँगा अभी। वायर से नप्ती लेने के लिए एक वायर लें, मैंने जो पंखे में लीड वायर में बांधे जाते हैं, वायर लगाए जाते हैं वाला वायर लिया है। और हमने एक स्लॉट में हमें लगा देना है, हमने एक स्लॉट में लगा दिया। फिर हम दो स्लॉट छोड़ेंगे, फिर हम दूसरे स्लॉट में हम लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। पहले एक में लिया, फिर दो स्लॉट हमने बीच में छोड़े हैं, फिर उसके पास में जो स्लॉट है हमने उसमें लिया है। फिर एक बार हमारा पूरा राउंड हो जाने के बाद में हम दूसरे स्लॉट में लेंगे दो बार। एक स्लॉट में हम एक बार और दूसरे स्लॉट में हम दो बार कॉइल बना डालेंगे इसमें। एक कॉइल कुछ इस प्रकार से बन जाएगी ये। और यहाँ जो हमने पहली स्टार्टिंग वाला जो वायर है, आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने पकड़ रखा है वायर स्टार्टिंग, वो इधर जाके इसे मिला देना है। ये कुछ इतनी बड़ी इसकी कॉइल हमें बनानी है, इधर से भी देख लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क लगा देंगे ताकि हम इतनी ही बड़ी कॉइल बना सकें, इससे ज़्यादा छोटी या ज़्यादा बड़ी कॉइल ना बन पाए हमारी। हम इसे निकाल देंगे इस वायर को पूरा, और ये वायर हमारा कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इधर से हम इसमें मार्क कर देंगे मार्कर की सहायता से। ये इतनी ही बड़ी हमें कॉइल बनानी है। कॉइल बनाने के लिए हम चलते हैं हमारी मशीन की तरफ। छोटी मशीन है, इसमें फर्मा लगा हुआ है हमारा। अब हम क्या करेंगे, नप्ती लेंगे इसकी। नप्ती लेने के लिए हमारी जो हमने वायर जो लिया था, हम इस प्रकार से वायर लेंगे और हमारा जो मार्क कहाँ पे है, ये रहा हमारा, ये आप देख सकते हैं कि हमारा मार्क है जो हमने मार्क किया हुआ है। तो ये जो कॉइल है थोड़ी सी इसे बड़ा करेंगे। बड़ा करने के लिए इसे हम इसे लगा देंगे, फिक्स कर देंगे इसको। इसको भी हम एक बार और नप्ती लेंगे। अब हम इधर से भी बड़ा करेंगे इसे। ज़्यादा बड़ी कॉइल नहीं बन जाए, इस वजह से हम जो हमारा नप्ती लेते रहे हैं, हमारी जो कॉइल है परफेक्ट बन चुकी है। ये आप देख सकते हैं हमारा जो सांचा है परफेक्ट है, और यहाँ पे ये आ रहा है, आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक कहाँ है हमारा। ठीक है, अब हम इसे कस देंगे। मतलब हमारी जो कॉइल का जो डायग्राम है, हमने सही तरीके से नप्ती ली है और सही तरीके से डायग्राम बन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉइल की बात करूं तो इसकी जो कॉइल बनेगी 35 नंबर कॉपर वायर से, और इसमें टर्न आएंगे 210, एक कॉइल में 210 टर्न आएंगे।